कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं अजय सिंह आपके साथ मेटल बाजार की जानकारी के साथ उपस्थित हूँ। मेटल बाजारों में किस तरीके से दिल्ली मेटल बाजार में कामकाज हो रहा है, विदेशी मेटल बाजारों में किस तरीके से कामकाज देखा जा रहा है, विदेशी मेटल बाजारों में के बाद भारतीय मेटल बाजारों में आप कहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं, कहाँ पर आप बिकवाली करके चल सकते हैं, इसकी जानकारी आपको विस्तार रूप से देंगे। और साथ ही साथ दिल्ली मेटल बाजार के भाव और मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की भी आपको जानकारी आपको बताएंगे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं दिल्ली मेटल बाजार की क्या स्थिति है। लगातार आप देख रहे थे बाजारों में, आप अगर हमारे साथ ज्वाइन है तो लगातार आप लोग खरीदारी की सलाह दी जा रही थी और कंटिन्यू बाजारों में एक जबरदस्त तेजी बाजारों में देखी गई। आपने देखा कॉपर का बाजार जो एमसीएक्स में 725 रुपए वाला 740 रुपए 740 से 42 रुपए तक गया, तो बाजारों में फिजिकल बाजारों में भी जोरदार तेजी के साथ कामकाज देखा गया। इसी तरीके अगर आप एमसीएक्स की बात करें, एल्युमिनियम का बाजार भी 193-194 रुपए वाला लगभग 203 रुपए तक बाजारों में एल्युमिनियम में भी तेजी देखी गई। जिंक के बाजारों में भी एक जबरदस्त तेजी के साथ बाजारों में कामकाज हुआ। लेकिन बाजारों में कल जो अचानक से गिरावट आई, उसका मुख्य कारण जो कॉपर में आप लोग गिरावट देख रहे हैं, गिरावट का मुख्य कारण है वहां पर जो इन्वेंट्री है, जो लगातार जो स्टॉक जो इन्वेंट्री जो होता है, इन्वेंट्री बढ़ के आई है, उसका इंपैक्ट बाजारों में देखने को मिला है। लेकिन बाजारों में आप सोचे कि बहुत ज्यादा गिरावट आएगी तो बहुत ज्यादा गिरावट की संभावना नहीं है। बाजारों में अगर कहीं पर गिरावट आए तो आप गिरावट पर खरीदारी करके चल सकते हैं। मार्केट का ओवरऑल आउटलुक ट्रेंड पॉजिटिव है, बाजारों में आप गिरावट पर खरीदारी करिए। अभी जो आप देखेंगे कि लगातार चाइना में ग्रोथ और डिमांड बढ़ती हुई जा रही है, उसका असर आपने पीछे मेटल बाजारों में तेजी के साथ कामकाज होता हुआ बाजारों में देखा और सीधा सीधा उसका असर देखा गया। इधर बाजारों में आप देखा जाएगा तो अमेरिका में कुछ आंकड़े रिलीज होने वाले हैं, तो उसका इंपैक्ट देखने लायक होगा कि फिर बाजारों में किस तरीके से रिएक्शन होगा। लेकिन बाजारों में बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है। बाजारों में अगर कहीं गिरावट आती है तो आप गिरावट पर खरीदारी करके चल सकते हैं। आज के बाजार में देखेंगे हल्का फुल्का आज भी बाजारों में आपको दबाव देखने के लिए बाजारों में मिल सकता है। इससे पहले आपको बता देते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस आपको अगर जानना है तो मॉर्निंग 9:30 का शो आप जरूर ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं किस तरीके से दिल्ली मेटल बाजार में भाव रहा। दिल्ली मेटल बाजार की अगर बात करेंगे तो कॉपर आर्मेचर का भाव जो 755 रुपए सुबह बाजार खुला था, 748 रुपए तक कल बाजारों में कामकाज हुआ। एल्युमिनियम पुर्जा का भाव 155 रुपए रहा, एल्युमिनियम पुर्जा में कोई बहुत ज्यादा गिरावट नहीं देखी गई। लेड का बाजार 178 से 79 रुपए के आसपास बना हुआ है, जबकि LIBT का बाजार 197 रुपए के आसपास रहा। पीतल ब्रास का भाव 510 रुपए वाला 508 रुपए पे कामकाज रहा। टिन रांगा की अगर बात कर लेते हैं तो 2385 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आया। बैटरी स्क्रैप काली सफेद का भाव 99/119 रुपए कामकाज रहा। SS बर्तन स्क्रैप का भाव 62 रुपए, SS 304 पाइप का भाव 139 रुपए बाजारों में कामकाज हुआ। अब बाजारों में बात आती है खरीदारी कहां पर करी जाए, तो कॉपर एल्युमिनियम लेड जिंक के आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बता देते हैं। कॉपर का एक सपोर्ट का लेवल 744 रुपए है, आज का रेजिस्टेंस का लेवल 752 रुपए, लेड का सपोर्ट का लेवल 178 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 180 रुपए, जिंक का सपोर्ट का लेवल 218 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 223 रुपए, निकल का सपोर्ट का लेवल आप बात करेंगे तो 1760 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 1800 रुपए है। तो ओवरऑल आउटलुक अगर आप देखेंगे तो मेटल बाजारों में ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव है। बाजारों में आप गिरावट पर खरीदारी करिए, धीरे धीरे बाजारों में आपको फिर से एक बाउंस बैक दिखाई देगा। बाजारों में आपने देखा है पीछे 10 दिनों से बाजारों में तेजी आई है, तो बाजार अगर 10 से 15 रुपए किलो बढ़ता है तो बाजारों में स्वाभाविक है थोड़ा बहुत करेक्शन पॉसिबल रहता है, तो थोड़ा बहुत करेक्शन देखा जा रहा है। लेकिन इसको गिरावट के तौर पर नहीं देखिए, आप गिरावट पर खरीदारी करने का सोचेंगे तो बेटर रहेगा। मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, बाजारों में गिरावट पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इसी तरीके की जानकारी आप रोजाना जानना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए। और किसी भी प्रकार की रेट्स की जानकारी के लिए AB लाइव का ऐप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पर अवेलेबल है। फ्री सर्विस नहीं है, पेड सर्विस है। डेमो अगर आप इसका लेना चाहते हैं लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24। नमस्कार।